A tree can be defined as finite set of data items which are arranged in non-linear order. जो ट्री होते हैं वो हमारे पास नॉन प्रीमेटिव और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जिसके अंदर फाइनाइट सेट ऑफ डेटा आइटम्स स्टोर होते हैं और ये नॉन लीनियर ऑर्डर के अंदर हमारे पास अरेंज होते हैं. द स्पेशल डेटा आइटम्स एट द टॉप ऑफ द ट्री इज कॉल्ड द रूट ऑफ द ट्री. जो हमारे पास सबसे टॉप पे जो आइटम स्टोर होती है उसको हम कहते हैं रूट ऑफ द ट्री. इस अकॉर्डिंग टू दिस फिगर जो ए एलिमेंट है हमारे पास वो हमारे पास रूट ऑफ द ट्री है, रूट, और हम इसको पेरेंट नोड भी कह सकते हैं. जो हमारे पास पेरेंट्स नोड्स होती हैं और उसकी नीचे की सब नोड्स होती हैं उसको हम चाइल्ड नोड कहते हैं. फॉर एग्जांपल बी और सी इस वाले ट्री की सब ट्री हैं और चाइल्ड नोड्स भी हैं ए नोड की. सो जितनी भी नोड्स हैं उसके अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर होता है. टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, ओनली वन चाइल्ड, ऑलवेज टू चाइल्ड एंड मोस्टली टू चाइल्ड. टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री के अंदर आते हैं सबसे पहले हमारे पास ओनली वन चाइल्ड, जिसके अंदर सिर्फ एक ही चाइल्ड होता है. फिर आता है हमारे पास ऑलवेज टू चाइल्ड, जिसके अंदर हमारे पास एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और मोस्टली टू चाइल्ड, जिसके अंदर मैक्सिमम टू चाइल्ड है उसको हम मोस्टली टू चिल्ड्रन बाइनरी ट्री कहते हैं. बाइनरी का मतलब होता है टू, और ट्रीज होते हैं हमारे पास नॉन सिक्वेंशियल वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन द मेमोरी. सो जो हमेशा बाइनरी ट्री के अंदर मैक्सिमम टू चाइल्ड नोड्स हमारे पास स्टोर होते हैं. अ बाइनरी ट्री हैज मैक्सिमम टू चाइल्ड्स. अ ट्री इज नॉन लीनियर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर. डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, वन इज प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रीमेटिव के अंदर हमारे पास इंटीजर करैक्टर फ्लोटिंग पॉइंट आता है, और नॉन लीनियर के अंदर हमारे नॉन प्रीमेटिव के अंदर हमारे पास एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री एंड ग्राफ आते हैं. नॉन प्रीमेटिव को फर्दर डिवाइड करते हैं हम दो टाइप्स के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास लीनियर और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आते हैं. लीनियर के अंदर हमारे पास एरे, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट, और नॉन लीनियर के अंदर हमारे पास ट्री और ग्राफ आते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्लो चार्ट जो ट्री है हमारे पास वो नॉन लीनियर और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है. ऑल दी नोड्स आर अरेंज्ड इन नॉन सिक्वेंशियल मैनर. सो ट्री अरेंजमेंट ऑफ द ट्री इन द मेमोरी. ट्री जो हमारे पास स्टोर होता है मेमोरी के अंदर वो एक अलग टेक्निक की तरह स्टोर होता है. हर एक नोड के पास अपनी अपनी एक मेमोरी एड्रेस होता है, वो मेमोरी एड्रेस मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास नेक्स्ट नोड की मेमोरी एड्रेस डिसाइड होती है और वो स्टोर होती है. फॉर एग्जांपल इस वाले ट्री के अंदर हमारे पास नोड ए है जिसकी मेमोरी एड्रेस 4 है, नोड बी की 6 और नोड सी की 12. तो हमारे पास जो स्टोरेज होगी मेमोरी के अंदर वो या 4 जो है वो ए पे स्टोर होगा, और जो लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में 12 आएगा. ये इसलिए आएगा क्योंकि जो 4 के जो लेफ्ट साइड में हमारे पास 6 मेमोरी एड्रेस वाली नोड स्टोर है, और जो 12 है वो 4 के राइट वाली साइड पे स्टोर है. तो इसलिए फिर हमारे पास अगर जो हमने बी अकॉर्डिंग टू बी देखना है तो हमारे पास 9 लेफ्ट में आएगी और 11 राइट में आएगी. हमारे पास जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसको हम मेमोरी एड्रेस में एक सिक्वेंशियल वे के अंदर स्टोर करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लिंकेज होती है बिटवीन दी टू नोड्स, और उसका लिंक होता है हमारे पास मेन पेरेंट नोड के ऊपर. तो ट्री ट्रैवर्सल क्या होता है हमारे पास? ट्री ट्रैवर्सल होता है हमारे पास 3 टाइप के ट्री ट्रैवर्सल होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर. इन ऑर्डर के अंदर क्या होता है, इन ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल रूल्स. सबसे पहले जो इन ऑर्डर होता है उसका जो रूल है ट्रैवर्स करने का ट्री को, वो है ट्रैवर्स लेफ्ट अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर. हमने सबसे पहले ट्रैवर्स करना है लेफ्ट को, फिर उसके बाद फेच करना हमने नोड को, फिर ट्रैवर्स करना हमने राइट साइड ऑफ द ट्री को. तो इसका जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ आपका लेफ्ट, नोड और फिर राइट. सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, फिर नोड सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट साइड ऑफ द ट्री सॉल्व करेंगे. तो इन ऑर्डर का इजी वे है इसको याद रखने का कि इन का मतलब होता है बिटवीन टू, मतलब बीच वाला पार्ट,
तो बीच में जो है हमारे पास नोड आ जाएगा, और जो लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट आएगा और राइट साइड में आपका राइट आ जाएगा। तो पोस्ट ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, पोस्ट होता है बाद में, पोस्ट का मीनिंग होता है कि बाद में, और बाद में क्या आएगी हमारे पास, नोड आएगी, और फिर लेफ्ट राइट और नोड। सो पोस्ट ऑर्डर का जो ट्री ट्रैवर्सल के जो रूल्स हैं वो है ट्रैवर्स लेफ्ट अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्स राइट अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑर्डर, फेच दी नोड। तो यहाँ पे लेफ्ट राइट एंड नोड हमारे पास फॉर्मूला आ गया पोस्ट ऑर्डर का। प्री ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, प्री ऑर्डर ट्री ट्रैवर्सल के रूल्स होते हैं हमारे पास, सबसे पहले नोड, फिर उसके बाद ट्रैवर्स लेफ्ट अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर, ट्रैवर्स राइट अकॉर्डिंग टू प्री ऑर्डर। तो प्री का मतलब होता है पहले, तो सबसे पहले नोड ट्रैवर्स होएगी, फिर उसके बाद हमारे पास लेफ्ट पार्ट ट्रैवर्स होएगा, फिर हमारे पास राइट पार्ट ट्रैवर्स होएगा। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का जो फॉर्मूला है वो है लेफ्ट नोड एंड राइट। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट पार्ट ट्री का सॉल्व होएगा, ट्रैवर्स करेंगे हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल इस वाले ट्री के अंदर हमारे पास ए नोड जो है वो हमारे पास पेरेंट नोड होती है, क्योंकि ये सबसे टॉप वाली नोड है। अगर जो ये पेरेंट नोड है तो हमारे पास बाकी की जो नोड्स हैं उसको हम चिल्ड्रन नोड्स कह सकते हैं। पर हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट। तो अगर मैं इसके अंदर बीच में सेंटर में एक लाइन खींच दूँ तो उससे हमारे पास ये जो ये वाला ट्री है ये हमारा लेफ्ट बन गया, और ये वाला ट्री हमारे पास सारा राइट बन गया। तो अब हम इजीली इस वाले ट्री को, दोनों ट्री को सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप क्या आता है, फाइंड द रूट ऑफ द ट्री। तो रूट क्या है हमारे पास, ए। ए मतलब पेरेंट नोड को हम रूट नोड भी कहते हैं। तो स्टेप टू है हमारे पास फाइंड द लेफ्ट पार्ट। हमने दोनों को बीच में से अलग कर लिया, लेफ्ट पार्ट अलग हो गया और राइट पार्ट अलग हो गया। फिर आते हैं हमारे पास जो हमारे पास रूट नोड है उसका जो लेफ्ट पार्ट है उसको हमने ट्रैवर्स करना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल लेफ्ट रूट एंड राइट। लेफ्ट पार्ट जो है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास जो ट्री है उसके अंदर बी डी और ई है। तो सबसे पहले हम बी डी और ई को सोल्व करेंगे, ये लेफ्ट पार्ट है, सबसे पहले हमने लेफ्ट को सोल्व करना है, फिर रूट को सोल्व करना है, फिर हमारे पास राइट को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने बी डी ई को सोल्व करेंगे। बी डी ई को सोल्व करने के लिए हम दोबारा उसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास बी जो है वो रूट नोड हो गया, डी हमारे पास लेफ्ट पार्ट हो गया, और ई हमारे पास राइट पार्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास जो आंसर आता जाएगा वो हमारे पास ये आएगा, सबसे पहले डी फिर बी फिर ई। ये ऐसा इसलिए आया क्योंकि सबसे पहले हमने लेफ्ट को सोल्व किया, फिर हमने रूट को सोल्व किया, फिर हमने राइट को सोल्व किया। तो हमारे पास जब मैं इसको ट्रैवर्स कर लूँगा फिर ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। अगर जो ये हमारे पास ख़त्म हो गया तो हमारे पास अब रह गया रूट ए, तो इसके बाद आएगा हमारे पास ए। तो इतना पार्ट हमारे पास सोल्व हो गया, इस पार्ट के अंदर हमारे पास लेफ्ट पार्ट सोल्व हो गया और रूट पार्ट सोल्व हो गया। अब हमने सोल्व करना है राइट पार्ट। राइट पार्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट पार्ट को हमने सोल्व करना पड़ेगा, राइट साइड के लेफ्ट पार्ट को। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास राइट साइड में जो हमारे पास ट्री है उसके अंदर सी एफ जी आई जे और के है, तो उसको सोल्व करने के लिए सी एफ जी आई जे और के को जो रूट नोड है उसको अलग करेंगे। सी इसका रूट नोड है, फिर हमारे पास लेफ्ट इसको दो टू पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इसका लेफ्ट पार्ट आपका एफ है और राइट पार्ट आपका ये वाला ट्री है। तो हम लोग यहाँ पे फिर आंसर लिख देंगे कि हमारे पास लेफ्ट रूट और राइट, हमने फॉर्मूला लगाया लेफ्ट रूट और राइट, पहले लेफ्ट को ट्रैवर्स होएगा फिर रूट फिर राइट। तो लेफ्ट पार्ट में हमारे पास एफ, तो एफ हमारे पास आ गया, फिर उसके बाद आएगा आपका सी, सी सी हमारे पास आ गया क्योंकि ये रूट है। अब राइट को सोल्व करना है, तो राइट को सोल्व करने के लिए हमारे पास राइट ट्री है हमारे पास जी आई जे और के। जी आई जे और के अंदर हमारे पास रूट नोड है जी, और उसका जो लेफ्ट पार्ट है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट पार्ट में आपका ये वाला ट्री आता है और राइट पार्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट पार्ट को सोल्व करेंगे इसके, ये इस वाले लेफ्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए हमारे पास इसका रूट नोड निकाल लेंगे हम लोग आई फिर जे और फिर के। तो लेफ्ट में आ गया आपका जे, तो हम जे लिख देंगे।